हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, और स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं पंपिंग सिमुलेटर 2। और आप सबको याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हमने ये छोटा सा पेट्रोल पंप बनाया था, एंड इसमें भी दो गैस स्टेशन है जो कि एक ये रहा एंड एक ये रहा, और शायद से कस्टमर भी आ चुका है, शायद ही हमारे, हाँ ठीक है, हमारी तरफ ही आ रहा है कस्टमर। एंड अभी मेरे को ना काफ़ी सारा काम कंप्लीट करना है। दो मिनट पहले ना मैं इससे बात करता हूँ। रुको भाई, इसके उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा अभी। एंड यार अभी ना काफ़ी कुछ करना है अपने इस गैस स्टेशन पे, और बहुत सारा काम करना है। देखो भाई खड़ गया, ठीक है, आराम से जब तक गैस डल रहा है, कितना डल गया इसमें, ठीक है 100% जब तक पूरा नहीं होता तब तक नहीं डाल सकते। और यहाँ पे ना कुछ टूल्स हैं, मतलब रिपेयर सेंटर्स हैं, इन सबको भी ना मेरे को पूरी तरह से बनाना है। बट इनके लिए पैसा कितना लगेगा मेरे को देखना पड़ेगा। रुको यहाँ पे ना मैं अगर चेक करता हूँ, $400 इसमें लगेंगे, एंड $300, $700 और प्लस $250। तो मेरे को $1000 आज के दिन में इकट्ठे करने पड़ेंगे। एंड अभी ना मार्केट में चल के देखते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। और ये क्या है, कैन बची, और एक सेकंड, यहाँ पे यार कुछ है ही नहीं। यार कस्टमर अगर कुछ सामान भी वगैरह लेने आएगा तो भाई लेगा क्या। और गैस ऑयल प्राइस 100% डिस्काउंट 2 डेज रिमेनिंग। भाई ये कैसे हम रिमेनिंग कैसे दे दें। रुको 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 रुको, यहाँ पे प्राइजेज है ना, ठीक है, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं यार कुछ नहीं, बढ़िया प्राइस पे ना इतना ही ठीक है अभी के लिए। तो चलो गाइस अभी के लिए वो जा रहा है बंदा, रुको इसके उसमें से ना निकाल लो ये टर्न, इसको यहाँ रखो। एंड अभी एक और कस्टमर आ चुका है, ठीक है इसमें कुछ करते हैं, हम जितने का डलवाना होगा वो डल जाएगा। एंड अभी ना मेरे को वॉशरूम जा रहा है शायद से, तुम्हें याद होगा हमने एक छोटा सा वॉशरूम भी बनाया था इधर पे। ठीक है यार एक ना वर्कर रख लेते हैं आज के लिए। रुको एक वर्कर रख लेते हैं, वर्कर कहाँ गया, यहाँ से अभी मेरे को और भी सामान मंगाना है, देन हम ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है ऑर्डर ही कर देता हूँ यहाँ पे, वैसे घर का सामान भी है, घर का सामान भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। बट ठीक है यहाँ पे मार्केट वाला सामान क्या क्या है, $10 का ये है, पाँच का ये है, ठीक है अभी ज़्यादा सामान नहीं करना। चलो कितने का बना, $167। रुको भाई ज़्यादा महंगा बन गया है, तो $100 तक का सामान लेके जाएंगे यार। शिपिंग कॉस्ट बहुत है यार, शिपिंग कॉस्ट बहुत है, शिपिंग कॉस्ट कम से कम $50 है, जितना मर्जी सामान ले लो भाई यार दिक्कत हो जाएगी यार, शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा दे रखा है इन्होंने। एंड यहाँ पे बेचारा एक कस्टमर आ चुका है, ठीक है अब इससे मैं पैसे ले लेता हूँ। टर्न, ओके टर्न गाइस, हमें पैसा मिल चुका है $84, एंड इसे कलेक्ट करो, डन। तो चलो एक और कस्टमर आ रहा है, एंड अभी के लिए ना मैं एक वर्कर करने जा रहा था, रुको एक बढ़िया सा ना वर्कर बुला लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारी जो शॉप है वो ये संभाल लेगा। सबसे सस्ता वर्कर कौन सा है, 51, 53, 58, तो हम 51 वाला हायर करेंगे एलेक्स को। ठीक है गाइस एलेक्स को बुलाया, अभी देखते भाई एलेक्स कहाँ से आता है। और यहाँ पे भाई नहीं है अभी सामान, रुको यार हमारा वो बंदा नहीं आया क्या, मैंने ऑर्डर करा था, वेट, ओह ये एलेक्स आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वो एलेक्स है जिसको मैंने बुलाया है जॉब के लिए। ठीक है भाई अपना चलो काम करो जल्दी जल्दी यहाँ से, एंड यहाँ से हमारा, ठीक है भाई ये आ गया ऑर्डर लेके। तो चलो अभी ना उससे पैसे लेते हैं, एंड इसका ऑर्डर वगैरह जो करने दो, और आज के दिन हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है अभी ना पहले इससे मैं पैसे लेता हूँ, एंड जो अपने रिपेयर सेंटर है ना वो ओपन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ना साथ के साथ करेंगे हम। कितने हो गए, $469, $96 ना, ठीक है एक और गाड़ी वाला आया है, दो मिनट मैं चल के ना पहले इसको भी ना इसका पेट्रोल भर देता हूँ, ठीक है टर्न इसे उठाते हैं हम एंड इसमें लगाते हैं, ठीक है टर्न भाई यहाँ भर दिया, ये देख कैसे रही है भाई अजीब और गरीब तरीके से। तो ठीक है अभी के लिए यहाँ पे हमारा जो वर्कर बुलाया था हमने वो आ चुका है, और ये आराम से अटेंड करेगा अब यहाँ के कस्टमर, जितने पैसे होंगे वो कलेक्ट वगैरह कर लेगा। और ये देखो ये क्या करने लगा भाई, इसको निकालना, क्या कर रहा, निकाल इसको भाई। ठीक है देखो कस्टमर ने निकाल लिया ना आराम से, अब दिक्कत नहीं है। ओ भाई यहाँ कौन खड़ेगा, रुको 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 रुको, आराम से ना इसको अभी यहाँ पे भी खड़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी भाई, दिक्कत ना हो इस कारण से देखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ से ऐसे पेट्रोल फेल हो चुका है ना, अभी नहीं अभी पेट्रोल का वो पड़ा हुआ है ना, तो यार जल्दी से पैसे आ जाए। मैं ना एक सेंटर खोल लेता हूँ, ये वाला सेंटर खोलने क्या, रुको 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 यहाँ पे ना इसे बिल्ड करता हूँ। ठीक है गाइस फाइनली यहाँ पे एक रिपेयर सेंटर ओपन हो चुका है, बट मेरे को ना ये पता नहीं है किस चीज़ का रिपेयर सेंटर है, पता नहीं है भाई किस चीज़ का सही में रिपेयर सेंटर है, देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कितने डॉलर लगेंगे, यहाँ ज़्यादा लगेंगे ना शायद से, $300
एंड ये वॉशिंग सेंटर है ऐसे $400 लगेंगे। वहाँ पे एक और गाड़ी आ चुकी है, तो चलो भाई जल्दी आ, जल्दी आओ मैडम, जल्दी जल्दी मैडम, जल्दी फास्ट, हम जल्दी से आपको सेल करेंगे आपका सामान। ओ यार मेरे बॉक्सेस आ गए थे ना, पुलिस कहाँ से आ रही है पता नहीं भाई, पुलिस का साइन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। पे एक एक करके सामान ला रहा है यार, बहुत कम आ रहा है। रुक जाओ रुक जाओ मैम, लो मैम जी आपका सामान आ चुका है। रुको 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 रुको, मेरे को ना और सामान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, डन डन, ये भी हो गया। एंड अभी थोड़ा और सामान लेके आते हैं। यार ये ना बड़ा धीरे धीरे सामान लेके आ रहा है, हमने जितना ऑर्डर करा था सैसे ले आया। और ये पुलिस पुलिस ऑफिसर कहाँ से आया भाई, उसी पोर्टल से आया क्या पुलिस ऑफिसर? वेट, इससे पहले मेरे को पैसे ले दो, पैसे ले लो इन मैडम से। अच्छा ये सामान वगैरह लेने आया भाई, गंदा पड़ा है कहीं भूलने लग जाए उतना। फाउंड नथिंग इलीगल, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पुलिस वाला चेक करने आया था, कुछ इलीगल तो नहीं है यहाँ पे, बट इसे कुछ नहीं मिला इलीगल, तो चलो भाई फाइनली फायदा हमारा हुआ। एंड यहाँ से पैसा कलेक्ट करो पहले, और यहाँ पे चलो अब इसे फेंक के आता हूँ मैं। मतलब इसमें कुछ लीगल सामान, इलीगल सामान भी रख सकता हूँ वैसे देखा जाए तो, ठीक है अभी के लिए इसे फेंको। एंड यहाँ $300 का बनेगा ना, बट अभी ना फ्यूल भराना भी जरूरी है, दो मिनट मैं ना फ्यूल भरा लेता हूँ पहले, ठीक है। अभी ना पहले फ्यूल अपना फुल कराते हैं, क्योंकि सारा मेन काम हमारा इसी का है, ठीक है। यहाँ पे $360 भाई, डन, सारा पैसा गया यार, सारा पैसा वसूल कर लिया इन्होंने, तो ठीक है। और इन मैडम को खींचिए, वेट, ठीक है लो मैडम ये भी रखो अपना, डन भाई इनका okay. भी सामान हो चुका है, डन लेके जाओ मैडम। अब ये धीरे धीरे करके हमारा जो ये शोरूम है, मार्केट है, सब कुछ अपग्रेड होगी, तो वेट करना पड़ेगा तुम्हें, बस अपग्रेड करेंगे इसको धीरे धीरे करके। अभी धीरे धीरे ओ एक गाड़ी लगी है, रुको 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 रुको, यहाँ पे पेट्रोल पंप वाला भी आ चुका है, और यहाँ पे एक गाड़ी लगी है, इसको करना क्या है, वैसे करना क्या है जल्दी बताओ मैडम। अच्छा इसको वॉश करना है शायद इससे ना, रुकना ओ वॉश करना है शायद, शायद इससे वॉश करना है, देख लेते हैं भाई। ऐसे गंदी तो एक ही जगह से है ये, ओ यहाँ से गंदी है ना, देखते हैं यहाँ से साफ हो रही है नहीं हो रही, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लीन हो रही है, डन डन, ओ कैन नॉट बी डन हेयर, ठीक है ठीक है। मैं ना दो मिनट पेट्रोल डलवा देता हूँ पहले चल के। ओ ये देखो भाई ये काम करके गया सारा, बढ़िया है यार ये चीज़ तो, बढ़िया लगी। दो मिनट रुको यहाँ पे, ये क्या वॉश करेगा गाड़ी, वेट मेरे को चेक करने दो, ये अगर हमने वर्कर हायर करा है नहीं वॉश नहीं करेगा, तो ठीक है भाई इसकी थोड़ी बहुत गंदी हो रखी है गाड़ी यहाँ से, एंड थोड़ा पीछे की साइड से हो रखी है, तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। ओ ठीक है ये साफ़ हो गई अपनी तरफ से, अच्छा भाई ये बढ़िया है। मार्केट में एक बंदा है, एक फ्यूल फ्यूल वाले पे बंदा खड़ा है, एंड यहाँ पे मैंने इसकी पूरी गाड़ी साफ़ कर दी, वो थोड़ी सी गंदी यहाँ से भी है, ठीक है। मैडम की गाड़ी अच्छी तरह हम क्लीन कर देते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो, तो ठीक है यहाँ पे भी साइड से क्लीन हो चुकी है। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत गंद लगा यार, कहाँ से आ रही है मैडम, धूल मिट्टी से साइड से उड़ते हुए आ रही हैं, तो ठीक है अभी यहाँ से साफ़ करते हैं, डन। एंड यहाँ से साफ़ करना है, ठीक है भाई साफ़ हो जाए बस अच्छी तरह। कि मैडम भाई पैसे वैसे दे दे, पिछली वाली मैडम ना पैसे दे के नहीं गई थी, तो ये वाली मैडम का आज पैसे हमारे दे दे, ठीक है डन। हुआ नहीं यार काम, डन रुकना और कहाँ काम बाकी है भाई, हर जगह तो मैंने क्लीन कर दिया इसे। भाई कौन हंसा है, ओ भाई इतनी तेज हंसी की आवाज आई ना यहाँ से, कैन नॉट बी डन, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या सीन है, मैं गाड़ियाँ वॉश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। रुको मैडम ने कुछ लिया है सामान, ठीक है लो मैडम, लो मैडम ये भी लो सामान अपना, डन भाई डन 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 डन, इसका काम बन चुका है। चलो ओ इन मैडम ने ऐसे फ्यूल भी डलवाया ना तभी, ठीक है भाई कंप्लीट काम यहाँ पे भी। एंड कोलर, ओ थीफ स्टोल एज अ कोल, अबे रुक, अबे कौन कहाँ गया थीफ, वेयर वेयर, यही है क्या, मैं बजा दूंगा भाई, मैं सही बजा दूंगा, रुक रुक रुक, रिटर्न, मेरा सामान दे, मेरा सामान दे, इसे लग नहीं रहा ये ऐसे कस्टमर है यार, मैं फालतू में उसको मार रहा हूँ, बट थीफ नहीं मिला मेरे को। वेट वेट यार थीफ पता नहीं कहाँ से आया था, मेरे को दिखा ही नहीं थीफ, वो चोरी करके चला गया। और यहाँ ना भी क्लीनिंग वगैरह भी करनी है थोड़ी बहुत,
हेलो। रुको यार, बहुत सारा काम बाकी है इस ओके टाइम। ठीक है, ये हो गया, थोड़े बहुत पैसे और मिल गए हमें। डन। यहाँ एक कस्टमर आया, इनको भी संभालो पहले। ठीक है, एक दो एंड तीन। तो डन ओके गाइस, फाइनली थोड़े बहुत यहाँ से पैसे बन रहे हैं। एंड अभी मेरे को एक सेंटर और ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक गाड़ी आई है वॉश होने के लिए, तो चलो बिना को मैं वॉश कर देता हूँ। रुको, बस इसको। ठीक है ठीक है ठीक है यार, हम अच्छी तरह वॉश कर देते हैं गाड़ी। डोंट बी डन। गंदी तो मुझे कहीं से लगी नहीं रही मैडम की गाड़ी, पर टूटी फूटी से अलग लग रही है। रुको 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 रुको, ये ना मेरे हिसाब से चेवलेट वाली गाड़ी थी ना, वो लेके आई है क्या भाई? इन गाड़ियों में धोने का बहुत टाइम लगता है यार, इन गाड़ियों को धोने में सही में बहुत टाइम लगता है। रुकना दो मिनट। ठीक है, अच्छा ऐसे पानी मार के मैं गाड़ी धो सकता हूँ। डन भाई डन। चलो मैडम, हो गई आपकी गाड़ी। डन, ले जाओ ले जाओ, कहाँ से गंदी है मैडम जी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आपकी गाड़ी हो चुकी है। ओ मैडम की गाड़ी आई है नवी। डन, यहाँ से साफ करेंगे हम। एंड यहाँ से साफ करो इसे। ठीक है, और इसको ना मेरे को अच्छी तरह क्लीन करनी पड़ेगी मैडम की गाड़ी को। ठीक है, ओ भाई कितनी गंदी पड़ी है, यहाँ से तो ज़्यादा गंदी पड़ी है। मेरे को लग रहा है मटर वगैरह करके आ रही है किसी का, जिस हिसाब से गंदी पड़ी है इनकी गाड़ी। तो ठीक है, यहाँ से भी साफ एंड यहाँ से भी क्लीन हो चुकी है ऐसे। तो चलो इसको वॉश कर देता हूँ यहाँ से मैं जल्दी से। टर्न 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 टर्न, देखते हैं मैडम की गाड़ी वॉश होती है ढंग से या फिर नहीं। ठीक है, वॉश तो कर दिया यार। जाओ ना यार, अब पैसा दे दो मेरा और निकलो अपनी गाड़ी लेके। भाई वॉशिंग का सीन मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है वॉशिंग सेंटर का, बट जो भी है क्या कर सकते हैं। अब अभी के लिए रात होने वाली है, और तुम्हें ना मैं नाइट क्लब भी लेके चलूंगा। रुको, यहाँ से पहले हम इनसे पैसे कलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे ग्रोसरी का सामान है थोड़ा बहुत इन सर का, 2 मिनट से पैसा लो। ओके ओके ठीक है सर, जा सकते हैं आप। इंक्रीज इंप्लॉय। ठीक है भाई, 1 स्टार मिल चुका है हमें फाइनली। एंड अभी के लिए कूड़ा फेंकना है मेरे को थोड़ा बहुत। टाइम क्या हुआ है, 7 बजे ना यार। इन मैडम की तो गाड़ी मैंने साफ कर दी है। ठीक है, पता नहीं क्या सीन है। एंड यहाँ पे सर का सामान हो चुका है यार, काफी सारा सामान पड़ा है अभी। एंड यहाँ पे है रिपेयरिंग का काम। रुको, कितने रुपए में होता है और ये कितने में है? $300 वाला पहले करते हैं, रिपेयरिंग सेंटर वाला। ठीक है यार, रिपेयर वगैरह गाड़ियाँ कर सकता हूँ यार। यहाँ का मेरे को समझ नहीं आया अभी तक पूरी तरह से, इन गाड़ियों को वॉश कैसे करना है, क्योंकि मैंने इनकी गाड़ियाँ क्लीन कर दिया पूरी। एक और वर्कर रख लूँ क्या? वेट वेट वेट, एक वर्कर और रख के देखते हैं ऐसे हमारा काम बन जाए यहाँ पे स्टेशन में। वर्कर कहाँ पे है? वर्कर वॉशर, वॉशर ये रहा ना। ठीक है, क्लीनर ऐसा, ऐसे क्लीनर वॉशर अलग होता है, ऐसे क्लीनर अलग होता है। तो क्लीनर है ना, ये मैकेनिक भी है भाई हमारे पास। चलो हायर करते हैं, देखते हैं ये क्या गाड़ियाँ वॉश करेगी। ओ फिट, यहाँ पे रिपेयर वगैरह हो रहे हैं, पर मेरे पास टायर वगैरह है? मेरे को तो ये भी नहीं पता भाई, मेरे पास अगर टायर ना हुए दिक्कत हो जाएगी। मेरे को लग रहा है मेरे को ना टायर्स वगैरह भी मंगाने पड़ेंगे। ओ ठीक है, अपने आप टायर्स लग जाएंगे। डन 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 डन, बढ़िया काम है। तो भाई रिपेयर सेंटर वगैरह एंड वॉशिंग सेंटर अपना पूरी तरह से ओपन हो चुका है। एंड अभी मेरे को बस इनको रिपेयर करके देना। ठीक है, एक टायर हो चुका है सर का, एंड एक टायर करना है सर का अभी। डन, इसके व्हील्स निकालते हैं, इसके व्हील्स जल्दी जल्दी निकालते हैं। एंड इसको निकालो। ठीक है, अभी एक वॉशिंग सेंटर रह गया और कुछ वर्कर रखे हैं हमने, जो कि फ़ायदा हुआ है। तो चलो ये भी गया, एंड अभी इसको लगा देता हूँ इसी तरह। रुको, ठीक है ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, एंड इसको भी लगाओ। ठीक है, ये वाला टायर अगर हो गया ना कंप्लीट, देन हमारी ये पूरी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। डन। तो चलो गाइस, फाइनली ये गाड़ी हो चुकी है पूरी तरह से प्रॉपर। अभी एक कस्टमर आ रहा होगा हमारा, उसे देखना है। और ये लो, ये हमारी गाड़ी जा चुकी है बन के। ठीक है, पैसा दिया इसने? पता नहीं भाई पैसा ऐसा मिला या नहीं यार, रात भी हो चुकी है तो मेरे को भी घर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट इससे पैसा ले लूँ पहले। ठीक है भाई, पैसा लेना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें लेके चलता हूँ नाइट क्लब। हाँ, तुम नाइट क्लब नहीं गए थे ना, तो नाइट क्लब जरूर चल लेना। ठीक है भाई, आंखें बंद हो रही है, रुको मेरे को ना कॉफी। ओए वेट 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 वेट, ये कौन था? मेडलिक क्लीन क्लीनिंग। ओहो अच्छा, ये क्लीन करेगी, वॉशर कोई और है, तो ये शॉप क्लीनर है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो ये साफ सफाई कर रही है ना यहाँ पे।
डन 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 डन, ये देखो साफ सफाई वगैरह कर रही है। ठीक है, नॉट मेनी कस्टमर कम एट नाइट। ठीक है भाई, रात में कोई ज्यादा कस्टमर आएंगे नहीं। हेलो, यहाँ नहीं है सर कुछ, प्लीज सॉरी। आओ पेमेंट कर दो आप अपनी, एंड यहाँ से जाओ, हम भी जा रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम ना निकलते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे जो दो गाड़ियाँ खड़ी है उनको रात भर खड़े रहने दो, हम नहीं रुकने वाले यहाँ पे। ठीक है भाई, गैस स्टेशन आज का काफी अच्छा चला हमारा, एंड थोड़े बहुत जो पैसे थे वो हमने रिपेयर सेटिंग में लगाए। लेके चलता हूँ तुम्हें अब नाइट क्लब, क्योंकि नाइट क्लब पिछली बार घूमे नहीं गया, इस बार तो चलो भाई नाइट क्लब में घूम के आते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा नाइट क्लब में। ठीक है, कहाँ गया नाइट क्लब भाई, गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, ये रहा नाइट क्लब, इसमें ये खड़ा ना ऑफिसर। चलो भाई, ये रहा भाई, डांसिंग वगैरह हो रही है, एंड यहाँ से ना हम बियर वगैरह भी लेके पी सकते हैं। और यहाँ पे महफिल लगी है भाई, ये लड़की बेचारी। अच्छा, प्रेस टू ई डांस, ये डांस करेगी हमारे लिए। चलो डांस करवाए इन मैडम से। ठीक है भाई, मैडम जा रही है डांस करने के लिए। और ये सर अकेले बैठे हुए, वाह भाई पैसा हो तो ऐसा, अकेले बैठो पूरे महफिल में। ठीक है, हटो 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 यार, मेरे को घूम के जाना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, मेरे लिए भी ना एक खाली बेंच होगा यहाँ पे। वेट, मैंने पैसा दिया था। ठीक है, ये रहा देखो। ठीक है, ऐसे ना ऐसे बैठ के मैं डांस वगैरह इनसे करवा सकता हूँ, एंड बढ़िया है भाई, नाइट क्लब का भी ना सीन सही है। रुको, इनको पैसा दूंगा ना मेरे लिए डांस कर, नॉट इनफ मनी। ठीक है भाई, $35 होने चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है यार, बताओ। एक मैं गैस स्टेशन का मालिक हूँ और मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं अभी के लिए घर पे, एंड नेक्स्ट डे अपना काम वगैरह शुरू करेंगे, और काफ़ी सारा काम करना अभी बाकी है तो वो करेंगे। तो चलो अभी के लिए भाई जल्दी से बस पे चलते हैं अपने घर, एंड आज अपनी वाइफ के लिए भी नहीं कुछ लाया। कोई बात नहीं भाई, वाइफ आज ऐसे ही खुश हो जाएगी, हम ऐसे ही मिल लेंगे उससे। तो ठीक है, आज को फाइनली मैं अपने घर पे, एंड अभी मेरे को काफ़ी सारा काम करना बाकी है। रिपेयर सेंटर ओपन हो चुका है हमारा, एंड यहाँ चल के ना पहले सो लेता हूँ, वाइफ से बात करूँगा, देन फिर वही बात है भाई, वाइफ गुस्सा हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, अलार्म बज चुका है हमारा, ये कॉल नहीं है, ये है अलार्म, हाँ उठने का अलार्म। ठीक है, फाइनली हम उठ चुके हैं, एंड यहाँ से अभी चलता हूँ जल्दी से अपने गैस स्टेशन पे, और वहाँ पे देखते हैं कस्टमर। एक स्टार हमें मिल चुका है, और ऐसे ही ना हमें 5 स्टार बनाने हैं अपने गैस स्टेशन के, तो वो हम बनाएंगे। अभी के लिए ना मैं जल्दी चलता हूँ गैस स्टेशन। ठीक है, तो चलो भाई थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाते हमने, रिपेयर सेंटर एंड एक वॉशिंग सेंटर खोलना बाकी है, मैकेनिक सेंटर जरूर खोल लिया है यहाँ पे। तो चलो, और वो देखो हमारे वर्कर्स भी आ चुके हैं हमारे गैस स्टेशन पे। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा। अब मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।